हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल बी ट्रिक पे आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपकी फ्रेंड विश्वजीत। सो फ्रेंड्स, आपको एक बढ़िया सा लूट के बारे में बताने के लिए इस वीडियो बना रहा हूं, जहां पे आपके बैंक अकाउंट पर 100 रुपीज डायरेक्टली मिलेगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप ही कर सकते हैं ये, आपका बैंक अकाउंट पर 100 रुपीज जरूर ले सकते हैं। तो कैसे लेना है बैंक अकाउंट पर 100 रुपीज, अगर जानना है तो इस वीडियो का पूरे अंत तक देखना है। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जानकारी ये दे दूं कि तेज एप्लीकेशन जब पहले आया था तो वो हमको दे रहा था कि साइनअप पे 50 रुपीज और पार रेफर पे 50 रुपीज। जैसे कि फोनपे एप्लीकेशन जब पहले आया था वो दे रहा था कि पार रेफर पे 75 रुपीज और साइनअप पे भी 75 रुपीज। तो वैसे ही एक UPI ऐप आया है जो उसका प्रमोशनल ऑफर लॉन्च कर दिया है, तो वो क्या देगा, आप अगर सिर्फ 5 फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको मिल जाएगा 100 रुपीज, और साथ साथ आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर आपको एक लाकी कैश मिल सकता है जो कि 5000 रुपीज तक की कैशबैक होगा। ठीक है, वो सिर्फ आपका फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन पे मिलेगा, यानी फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन अमाउंट कुछ भी नहीं है, आप 1 रुपीज से लेकर लाखों रुपीज तक सेंड कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको कैशबैक जो है एक मतलब सरप्राइजिंग कैशबैक मिलेगा जो कि 5000 रुपीज तक। साथ साथ आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर जीत सकते हैं 1 लाख रुपीज का मेग माई ट्रिप कैश। तो कौन एप्लीकेशन दे रहा है इतना अपॉर्चुनिटीज, आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ABPB। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को ABPB का मतलब आपको समझा देता हूँ। सो ABPB इसका मतलब है, ए का मतलब है आदित्य बिड़ला, और आदित्य, और बी का मतलब है बिड़ला, और पी का मतलब है पेमेंट, और बी का मतलब है बैंक, यानी आदित्य बिड़ला पेमेंट बैंक। सो इसी आदित्य बिड़ला पेमेंट बैंक का एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है 15 तारीख को, लेकिन आज मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ 17 तारीख को। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको 3 एप्लीकेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये, देखिए ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, मतलब कि ये जो भीम UPI, मतलब कि तीसरा वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 3-4 MB का होगा शायद। तो इसको डाउनलोड करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि सिर्फ 5000 की डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पर आपको बैनर भी दिखाई देगा, देखिए आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर आपको 5000 रुपीज तक की कैशबैक मिल सकता है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर काम क्या करना है और यहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर साइनअप कैसे करना है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, अगर थोड़ा सा भी मिस करोगे तो इसके पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पता है कि तेज एप्लीकेशन की जितना सारे टर्म्स एंड कंडीशन था, हमने अगर एक भी कंडीशन मिस कर देते थे तो वहाँ पर हमको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर भी आपको वही सेम काम करना है, आप अगर थोड़ा सा भी टर्म्स एंड कंडीशन का उपयोग नहीं करोगे तो आपको जो है पैसा नहीं भी मिल सकता है। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक इसका जो पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके आप लोगों को समझने से बेहतर है कि उसका पूरा स्क्रीनशॉट रख के पहले खुद समझना, उसके बाद लोगों को समझना। तो यही काम मैं कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसका टोटल स्क्रीनशॉट कैसे कैसे मतलब किस कौन सा स्टेप कंप्लीट करने के बाद कौन सा स्टेप आता है पूरा मैंने खुद स्टडी किया, तो उसका बाद आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ भी गलती होने की मतलब कि चांसेस नहीं रहेगा। सबसे पहले ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक से रिलेटेड सिम कार्ड है, तो मेरा तो SIM 2 था, तो मैं 2 से मतलब कि इसको रजिस्टर किया, तो आपका बैंक से रिलेटेड जो भी सिम कार्ड है, ये देखिए ये जो ग्रीन आइकन है, ग्रीन आइकन उस पर दीजिए, उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है रजिस्टर पर। तो जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ता है, आपका अगर नेटवर्क नहीं है मतलब कि नेटवर्क वीक है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पर जाकर कोशिश कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर 2-3 बार पैसा आपका कट सकता है। और एक काम कंप्लीट करने के लिए आपका उस सिम कार्ड पर 1.5 रुपीज होना जरूरी है। आपको पता ही होगा कि कोई भी UPI ऐप पर हम जैसे ही रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमको 1.5 रुपीज पे करना पड़ता है। उसके बाद देखिए इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है और आपका जो रजिस्टर का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है। तो रजिस्टर का कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। तो इस टाइप का इंटरफेस आने के बाद आपको देखिए ऐड बैंक अकाउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपका जो काम होगा वो है ऐड बैंक अकाउंट। सो ऐड बैंक अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो इनमें से आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सर्च करके भी आप मतलब कि खुद का बैंक अकाउंट चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरा जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक था, तो यहाँ पर सर्च करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आया था। उसके बाद देखिए मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे आ गया था।
सो आपका भी बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा तो आपको देखिए स्टार्ट ट्रांजेक्शन है, तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे जितने भी सारे कॉन्टैक्ट है तो इस टाइप का कुछ दिखाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको देखिए यहाँ पर जो थ्री लाइन है तो थ्री लाइन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, और थ्री लाइन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो क्लिक करना है वो है आपका सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। तो प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखिए जो प्रोफाइल लेवल दिखा रहा है तो प्रोफाइल लेवल बेसिक दिखा रहा है। तो बेसिक लेवल को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट तो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको एक काम करना पड़ता है, वो है रेफर कोड आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर देखिए यहाँ पर सब लिखाई देगा कि अर्न 100 रुपीज़ देखिए ऑन जस्ट रेफर 5 फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसका पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आपको थोड़ी देर बाद समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर और क्या क्या करना पड़ता है। सो यहाँ पर देखिए आपको रेफर कोड डालना पड़ता है, तो रेफर कोड तो आपको मिल ही जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। उस रेफर कोड को आप अगर डाल देंगे और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका रेफर कोड डालना कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके नीचे आपको यहाँ पर अपना मतलब कि अपना खुद का रेफर कोड शो होगा, जो रेफर कोड से आप अपने फ्रेंड को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली आपके सामने इस ट्रांजेक्शन वाले पेज पे आना है, मतलब कि आपको स्टार्ट ट्रांजेक्शन पर आना है या फिर आप डायरेक्टली इस ट्रांजेक्शन वाले पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो प्लस आइकन है ये स्टार्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक नहीं करना है, आपको ये जो प्लस वाला आइकन है तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करो। उसके बाद देखिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी यहाँ पर आपको एक VPA एड्रेस मतलब कि डालना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि एट बिरला होना चाहिए, यानी आप इसी मतलब कि देखिए ये एप्लीकेशन का जो UPI एड्रेस होता है, जैसे कि मेरा इस एप्लीकेशन का UPI एड्रेस है मेरा मोबाइल नंबर @BIRLA, तो ऐसे करके लास्ट में @BIRLA, जैसे कि Paytm पे होता है कि आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका कुछ भी उसके बाद @Paytm, तो ऐसे करके यहाँ पर भी जिस UPI को आप पैसा सेंड करना चाहते हो उसका लास्ट में @BIRLA होना चाहिए, तभी जाकर आप कैशबैक के लिए एलिजिबल होगे। तो आपको अगर कोई भी फ्रेंड नहीं मिलता है @BIRLA का VPA वाला, तो मेरा कोड पे आप सेंड कर सकते हैं, मतलब कि मेरा VPA से आप पैसा सेंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 1 रुपये सेंड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए यहाँ पर Paytm का दिया था, लेकिन आप Paytm मत कीजिए, वरना Paytm अगर देंगे तो आपको जो कि है कैशबैक नहीं मिलेगा, तो आपको वार्निंग दे देता हूँ। तो उसके बाद अमाउंट दे दीजिए, उसके बाद देखिए सिंपली सेंड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जिस बैंक अकाउंट से काटेगा आ जाएगा, और यहाँ पर एंटर UPI पिन आ जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली एंटर UPI पिन कर दीजिए, उसके बाद देखिए सिंपली यहाँ पर आपका पैसा जो है वो पे हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पैसा पे हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, तो आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है। सो अभी आपको ले जाऊँगा एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन के अंदर लेकर आपको पूरा डिटेल्स में समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रेफर कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये बात बता दूँ कि रेफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए प्रोफाइल मेरा 100% कंप्लीट है, तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल करना पड़ेगा, प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। तो प्रोफाइल जैसे ही कंप्लीट कर लोगे उसके बाद देखिए यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड्स है, रेफर कोड आपको दिखाई देगा और इनवाइट फ्रेंड्स है। सो यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना कोई भी मेथड यूज करके आप जितने भी सारे फ्रेंड को रेफर करोगे उनका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि आप अगर सिर्फ 5 फ्रेंड को रेफर करोगे तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, उससे ज़्यादा अगर रेफर करोगे या फिर उसे कम रेफर करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताएगा। तो आपको एक ही बात आपको मैं बता दूं कि आपके पास अगर शायद Paytm का 2-3 अकाउंट है, तो 2-3 अकाउंट पे यहाँ पर अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बना के सिर्फ फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन करके एलिजिबल हो जाए, उसके बाद रेफर कीजिए 3 अकाउंट से, ताकि आपको 300 रुपीज़ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा रेफर का क्या मिलेगा या फिर उसके डिटेल्स में तो कुछ बताया नहीं गया, तो इसी वजह से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ एक अकाउंट से 5 ही फ्रेंड को रेफर कीजिए, ज़्यादा रेफर मत करो, क्योंकि ज़्यादा रेफर का पैसा आपको नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो पैसा मिलेगा, मतलब आप जो ट्रांजेक्शन करोगे उसका जो कैशबैक मिलेगा, तो कैशबैक कब मिलेगा, कैशबैक ये जो कैंपिंग है इस कैंपिंग ख़त्म होने के बाद आपको कैशबैक रिसीव होगा। यानी एक कैंपिंग चल रहा है 15 मई से लेकर, ठीक है ना, 31 मई तक, तो ये 31 मई के बाद, ठीक है ना, तो 31 मई के बाद ही आपको एक कैशबैक है जो है रिसीव होगा, यानी 15 दिन के अंदर आपका एक कैशबैक रिसीव होगा, ट्रांजेक्शन के लेकर 15 दिन के अंदर कैशबैक रिसीव होगा। सो फ्रेंड्स आपको आगे अगर मुझे बोलोगे कि भाई पेमेंट प्रूफ दिखाओ, तो भाई पेमेंट प्रूफ तो अभी मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी किसी के भी पास इसका पेमेंट प्रूफ नहीं होगा शायद। सो फ्रेंड्स जब तक एक पेमेंट प्रूफ आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज से लेकर, ठीक है ना, आज से लेकर 31 मई तक चलेगा। तो आप जितना लूटना चाहते हो इसी महीने, मतलब कि इसी डेट के अंदर ही लूट लो, उसके बाद लूट नहीं पाओगे, ठीक है ना। सो जितना ज़्यादा रेफर कर सकते हो इसी
इसी बीच में आप रेफर कर सकते हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर कि मेरे चैनल पर हर दिन आपको कोई ना कोई कॉन्टेस्ट मिलता है। तो इस वीडियो पर भी आपको एक कॉन्टेस्ट मैं दे रहा हूँ, तो आप कॉमेंट करके जरूर पेटीएम के जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का कॉन्टेस्ट ये रहेगा कि ये एप्लीकेशन सिर्फ 5 फ्रेंड को रेफ़र करने का मौका दे रहे हैं। आपको अगर अनलिमिटेड रेफ़र करने का मौका देता तो आप यहाँ से कितना रुपीज लूट सकते थे, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा लगेगा तो उसको मिल जाएगा 10 रुपये का पेटीएम कैश। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।